अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकते हैं तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है, वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया, जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है, सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है, ठीक है। वो आवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक आवाम को क्या दूं। अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी मेहरान भी नहीं मिलेगी। यार मिशन मून को आप किस तरीके से पहुँचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो आईफोन 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क टाटा ग्रुप करेगा बिल्कुल। क्या वजह? दुनिया में सबसे अमीर हम है, अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। सर ग्वादर जब चलने ही नहीं देगा तो पाकिस्तान में कैसे चलेगा? कितने टाइम से हम सुन रहे हैं ग्वादर नहीं चलेगा, ये 2024 में चलेगा। 2024 मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ, जैसा आप बात कर रहे हैं, जब हमारे केमारी का जो पोर्ट था आज वो पोर्ट खत्म हो गया तो आप ग्वादर की कैसे बात कर रहे हो? चलेगा, जरूर चलेगा। रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए, वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क। इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाए, कि मिनिस्टर थे फौज चौधरी साहब PTA की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कुछ टाइम पहले, स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है, कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नजर आ सकता है, चांद नजर आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है? देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नजर आ सकते हैं तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे? अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है, वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फौज चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें वो खत ले जाएं। देखें जी मेरी बात सुने, बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने जहां जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोजमर्रा के काम को आसान किया है ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग, जो टेक्नोलॉजी जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें, ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है टेक्नोलॉजी के हवाले से? कोई काम जानता नहीं, करना नहीं चाहता? इंडिया की आपने एग्जाम्पल दी, वाकई उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है, उनके चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अपने, अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनका कंपटीशन करें, कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आप उसका कैसे कंपटीशन कर सकोगे? लेट सपोज इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर पर आप किसी फौजी को खड़ा कर दो और उसका गन ले लो, ठीक है, तो वो कैसे अपने एनिमी के साथ मुकाबला करेगा? तो हमें तो ये बताया जाता है जज्बे के साथ लड़ना है, असले की जरूरत टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुसलमान है हम, जज्बे के साथ बताता हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल
पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए, वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क जो है, ठीक है, ठीक है। अभी आप 10 साल के बाद इंडिया पहले ही देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी मेहरान भी नहीं मिलेगी। देखें मेरा मकसद इस पाकिस्तान को डीमोटिवेट करना या यहाँ को डीवैल्यू करना कभी भी नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आ सकें। और जिन लोगों से हमें मुकाबले का बताया जाता है, असल तो इन चीज़ों में मुकाबला करने की जरूरत है ना, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करने की जरूरत है, साइंस में, IT में मुकाबला करने की जरूरत है। अच्छा, एलन मस्क की आपने बात की है, आपने बोला कि उनका इंडिया के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। अब इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ की तरक्की का वायलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसको डे बाय डे बिल्ड करती है, अप करती है, ठीक है। अब जब आपके साथ लेट्स सपोज इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है, और आपका मेंटल लेवल वो यूज़ करे, ठीक है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू मुल्क का, कौम का, हर किसी का फ़ायदा कर सकते हो, अपनी कौम के लिए डे बाय डे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मामला होते हैं, ये सारे इधर मेरे भाई एक बात नोट करने वाली है, एलन मस्क को इंडिया ही क्यों मिला, बात तो ये है। अगर आप बात करें जी आबादी वो तो चाइना की भी आबादी है, अगर आप बात करें कोई और तो वो तो दुनिया के और भी बहुत से कंट्री। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, देखो जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती ना, उस कौम की हालत तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस कौम की हालत कभी भी बदलती नहीं है, ठीक है, एक बात। और सेकेंडली ये है के हाथ लोग उन लोगों से आजकल मिलाते हैं जो अपने हालात बदलना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन्होंने तो पाकिस्तान को सियासी मईशत के अंदर और सियासी इस्तेकाम के अंदर इस तरीके से दलदल में फंसा दिया है कि ये लोग आपस के मामलात से ही नहीं निकल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे ये चीज़। तो ये बहुत मायूस कन बात है, मेरे बात है। iPhone 14 Pro Max की बात करें, iPhone 14 Pro की बात करें, ये आपके पास है जिससे ये भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कितने का इस टाइम पाकिस्तान में कराची में कितने का मिल रहा है? देखें ये मेरे पास जो है ये 4,75,000 का, पौने पाँच की इसकी वैल्यू है। अभी इसका रिसेंटली एलन मस्क के साथ इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो आईफोन 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा बिल्कुल। क्या वजह इसकी, मतलब मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपने बोला इंडिया की किस्मत बदल जाएगी, मेरा पॉइंट ये है क्या वजह है कि इंडिया की किस्मत क्यों एलन मस्क बदलना चाह रहा है, या कोई भी अगर बदलना चाह रहा है तो वो पाकिस्तान की किस्मत क्यों नहीं बदल देता? देखें जी पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब कौम अपना टैलेंट दिखाए कैसे, यूटिलाइज कैसे करे, ठीक है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके आप अपना टैलेंट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इंडिया ने वहाँ की जनरेशन को, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो मास्टर प्लान और थिंक टैंकर्स होते हैं ये सारे मामलात को देखने के बाद एग्रीमेंट करते हैं, ये पहले उस मुल्क, अब लेट्स सपोज अब इंडिया को क्यों उन्होंने देखा है कि इंडिया के इस वक्त मईशत पहले से बेहतर होती जा रही है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है, वहाँ की मईशत बेहतर होती जा रही है, वहाँ के मामला बेस्ट से बेस्ट होते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को चॉइस किया है। अब पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, हाँ जी, पाकिस्तान के साथ उनको करने में कोई इशू नहीं है। देखो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, इनके पीछे बहुत बड़े रिसर्चर्स भी इनकी टीम्स में मौजूद होते हैं, जो लोगों को सर्च कर रहे होते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के बारे में सर्वेयर्स होते हैं इनके, जो सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद वो पूरी एक रिसर्च टीम के थ्रू बंदे को पिक करते हैं या उस कंट्री को पिक करते हैं। फौरन इनका एग्रीमेंट नहीं होता कि दो तीन दिन में हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद जाके वो एक्शन लेते हैं। उसका हमारे साथ एलन मस्क का हमारे साथ काम करने में कोई मसला थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम अपने आप उस काबिल तो बनाएं, अपनी मईशत को उतना आगे तो लेकर आए, उसके बाद वो हमारे साथ वो नहीं, हमारे साथ फिर हर अच्छा कंट्री जो इस तरह डेवलप कंट्री है उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारे साथ मिले, बिजनेस मैन है कि हमारे साथ मिलकर काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, लेकिन इसके लिए माशी इस्तेकाम लाजमी है, आपस में हमारा
समय इत्तफाक यूनिटी लाजमी है, भाईचारा लाजमी है, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। और सबसे मेन चीज शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना लाजमी है। जब तक हमारे सियासतदान, हम किसी का नाम नहीं लेते, ओवरऑल जब तक लड़ते रहेंगे, किसी को वो चोर कहेगा, दूसरा उसे चोर कहेगा, तब तक शायद पूरी दुनिया हम पे हंसती रहेगी। टेक्नोलॉजी की तरफ खुद वो डेवलपमेंट की तरफ जाते जाएंगे। और हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। एक वीडियो वायरल है, वायरल, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। देखें यार, असल में बात यह है कि हमें खुद ही मिलकर एक दूसरे के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। उस एफर्ट के बिना हमारे दिन चेंज नहीं होने वाले। और कहीं अपनी गलतियां जब तक मानेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं जा सकते। मुझे ये लगता है हमें अपनी गलतियां माननी चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि हम कितने पानी में है। ठीक है, ठीक है। अब बातें तो इंसान चांद पे जाने की करे, लेकिन एनालिसिस उसके सही तरीके से दूसरे शहर में जाने की भी ना हो तो वो चांद पे नहीं जा सकता ना। तो इसके लिए इंसान को मतलब पहले अपना एनालिसिस करे, अपनी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एनालिसिस करे, जो हमें कमी है उनको दूर करे। ठीक है, जो हमारी मईशत के अंदर अभी जो इतना बड़ा गैप आया हुआ है उस गैप को फिल करे। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी के लिए एक स्टेप भी बहुत होता है। स्टेप तो ले, पब्लिक आपके साथ बहुत तेजी से खड़ी होगी। पब्लिक पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे 10 तरीफे मेरे ख्याल से इंडिया की हैं कि वहाँ पे आईफोन की प्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। यानी कोई भी हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार है और मरते दम तक प्यार रहेगा। लेकिन मकसद ये है, हमारी बात करने का मकसद ये कि हमारे मुल्क, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो आवाम है, पब्लिक, वहाँ की पब्लिक है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, पब्लिक का भी दिल करता है अपने कंट्री के लिए काम, मेडिकली सपोर्ट करती है, वो उनके टैक्सेस उन्हीं पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इवन वो टैक्स चोरी नहीं करते, खुद अपने टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना, बस मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि बस अपना एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल अपना एनालिसिस करें, अपनी जो कमी है, जो गैप है, उन्हें पूरा करें ताकि हमारे हालात भी बदलें, बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ये जो इनकी सोच है, मैं ये समझता हूँ मोस्टली लोगों की ऐसी ही सोच है। लोगों को पता चल रहा है, खासतौर पे यूथ को सोशल मीडिया की वजह से पता चल रहा है कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, चाहे वो हमारा नेबर कंट्री इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी, इवन बांग्लादेश हो। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम अब पब्लिक को ज़्यादा देर रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर तसल्ली नहीं दे सकते। प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है, तभी ये जो पब्लिक यहाँ पे खड़ी है इसकी हालात बदल सकते हैं, तभी पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। क्या करते हैं आप? सदर में दुकान है अपनी, छोटी सी कारोबार चला रहे हैं। आपका ये बिजनेस है? ये जो खिलौने हैं, बच्चों की साइकिल्स हैं, ये आपका बिजनेस है? जी जी। मुझे बताइए, पाकिस्तान में बनती है सब? यस सर, ये पाकिस्तान में बन रहा है। ये आइटम ऐसा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ हो या गाड़ियाँ हो तो वो तो पाकिस्तान से बाहर से आता है, पाकिस्तान के अंदर। यानी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो सामान है वो बाहर से बनता है, क्योंकि हमारे कुछ आइटम के अंदर भी ऐसा है कि जो चाइना से लेना पड़ता है हमें। ठीक है, खिलौनों में भी बहुत से आइटम आते हैं जो बाहर से आता है, चाइना से आते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के दूसरे कंट्री, अगर हम अपने हमसाये की बात करें, इंडिया की बात करें, वो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे जाते नज़र आ रहे हैं, उनका वो मिशन मून करते नज़र आ रहे हैं, मून तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो उनसे मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर चांद यहाँ से नज़र आ रहा है, हमें चांद पे जाने का क्या फ़ायदा? यानी हमारी सोच अभी तक यहाँ तक क्यों है? हमारी सोच इसलिए यहाँ तक का है कि सर देखो, हमारे जो न्यू जनरेट है ना, उनको आगे का मौका नहीं मिलता। ठीक है, असल में जो हुक्मरान में बैठे हैं वो उसी टाइम वही बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यू जनरेट आगे नहीं आ रहा। जब न्यू जनरेट आगे आएगा ना, तो कुछ हमें सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। अब पुराने जो है वो कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे? ठीक है, जबकि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। देखो, और हम वही टेक्नोलॉजी यहाँ ला रहे हैं खरीद के। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया। जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है। सही है, इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है। ठीक है, वो आवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक आवाम को क्या दूं। आपने अभी बोला इंडिया भी आगे निकल गया, लेकिन ये बोलते हुए बड़ा आपने अपना लहजा धीमा किया, आहिस्ता किया। नहीं, मुझे कोई इससे आइडिया नहीं कि इंडिया का मैं कुछ खा रहा नहीं हूँ। सही है ना, मैं अपने पाकिस्तान का खा रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन यह है कि कहीं इस वजह से तो नहीं आवाज ऐसा की कोई सुन के इंडिया की तारीफ कर रहा है? क्यों क्यों क्यों? देखो, अब मैं
आपको इंडिया से पहले मैंने आपको चाइना भी बोला है, जापान भी बोला है, जापान भी बोला है, आप ये चीज को भी सोचे ठीक है ना। अगर जापान या चाइना, हम पाकिस्तान से चाइना क्यों जाते हैं कि दो पैसा कमाने के लिए, हम दुबई क्यों जाते हैं दो पैसा कमाने के लिए। अगर हमारे को पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मिल जाए तो हम अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वजह समझते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कराची के लोग क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि अगर नेबर कंट्री इंडिया आगे चला गया है डेवलपमेंट में, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में, उसकी क्या वजह हो सकती है। असल में उनकी गवर्नमेंट उनके साथ दे रही है, सही है ना, उनकी आवाम उनके साथ है। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं दे रही, हमारे ऊपर महंगाई इतना कर दिया है कि हम महंगाई से मर चुके हैं। बिजली के बिल, पानी का बिल, किराए का घर, किराए की दुकान, इतनी महंगाई। अगर आप खाने पीने के आइटम में आ जाओ तो चीनी, एक चीनी का क्या रेट है, 150 रुपए की, 150 160 रुपए, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक गरीब बंदा 160 रुपए कैसे अफोर्ड करेगा चीनी, ठीक है। एक कप चाय का क्या रेट है, एक कप चाय का 40 रुपए 50 रुपए, किसी होटल में 50 है। आप मुझे एक बात बताओ ना, एक गरीब बच्चा या एक गरीब आदमी कैसे जाके चाय पिएगा, कैसे गुजारा करेगा। दूध का कीमत 200 से ऊपर गया हुआ है, जो कीमत इनको रखना चाहिए पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए किलो, कि हर गरीब भी खा सके, हर गरीब पी सके। क्या वजह आपके ख्याल में, वजह क्या है? आपने बोला कि हुक्मरान जो है हमारे पॉलिटिशियन है, उन्हें अपनी पड़ी है, हम पब्लिक की नहीं सोच। असल में देखो, बाहर मुल्क से अगर पैसा लेना छोड़ दो ना, हम यही पैसे को टर्न ओवर घुमाए ना, तो हम बहुत आगे। और वो तभी होगा ना जब हम मेड इन पाकिस्तान की अहमियत देंगे, प्रमोट करेंगे, यहाँ पे जो चीजें बनेंगी उन्हें ही खरीदेंगे, और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। तो सर उस सूरत पे किया जाएगा जब पाकिस्तान के अगर कोई बड़ा इदारा है कोई ऐसी चीज को जो सपोर्ट करे। देखो हर बंदा अपनी जेब से नहीं लगाता, कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए उस जगह पे, कि यार प्लेटफॉर्म बना, हम इसको आगे नहीं जाने दें। अगर एक बंदा पाकिस्तानी है, सही है ना, उसने कोर्सेज बहुत आगे किया हुआ है, अब वो पाकिस्तान को नहीं दिखा रहा, वो जाके किसी और मुल्क को दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मौका नहीं ना मिला, यहाँ पे उसे मौका नहीं, फायदा क्यों नहीं मिल रहा, कि वो बोला यार पाकिस्तान के अंदर पैसा इतना कम है, तो इससे अच्छा मैं बाहर जाके अपना पैसा डबल करूँ, ठीक हो गया। आपके ख्याल में अगर साथ वाला कंट्री, अगर चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, वो अगर आगे जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? तो भाई महंगाई है, उनके पास इतनी महंगाई नहीं है, अगर उनके पास महंगाई है तो वो उसके हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। अब हमारे पास इतनी महंगाई है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं भाई। हमारी एक चीज़ है, एक बात करता हूँ मैं, अगर ये साइकिल है 2000 रुपए का, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके माँ बाप कैसे दिलाएंगे उसको, ठीक है। वैसे ये है कितने का, ये छोटा, सबसे छोटा 2000 रुपए का, 2000, सही है ना। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की माँ आ रही है, किसी का बाप आता है, अब उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को दिलाऊं, मगर वो बोलता है 2000 रुपए मैं इसमें फंसा कर, मैं इससे अच्छा अपने घर पे 2000 रुपए का राशन नहीं डलवा लूं, ऐसे ही है। अच्छा ये तो आपने खिलौने की बात की, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, यूथ या फिर पाकिस्तान की पब्लिक, खास तौर पे कराची की पब्लिक, अवाम क्या सोचती है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी मिशन मून करना चाहिए या अपना पेट पहले भरना चाहिए? यार मिशन मून क्यों, आप किस तरीके से पूछा, पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। ये बात तो है बिल्कुल, जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या, मिशन कोई भी मिशन हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगेगा तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं अपने इंटरव्यू लूं या पहले मैं अपने पेट को देखूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान अपने पेट को देखेगा या मिशन मून में जाएगा? ठीक है, कहीं यही वजह तो नहीं है हमें जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि हम अपनी अपनी रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़े रहे, किसी से कुछ पूछे ना कि भाई हम, आप ये बताएं, कराची एक बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस सिटी था, सिटी है, आज इसकी क्या कंडीशन है? अभी कराची नहीं है सर, रात के 10 बजे के बाद लाइटें बंद है। पहले एक टाइम होता था कि रात को एक एक दो दो तीन तीन बजे तक का कराची में घूमने वाले आवाम थे, सही है, सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। क्योंकि पाकिस्तान से या कहीं से भी, आप पंजाब इस्लामाबाद से भी कोई आता था ना कराची घूमने के लिए, वो बोलते थे यार कराची के अंदर एक लाइटिंग है, मुझे देखना है। मगर अब वो जब मजा ही नहीं आ रहा, अब एक इंसान जब घर से बाहर रात को निकलता है 12 बजे के बाद, उसको पता है मेरे जेब से मोबाइल छिन जाएगा, मेरा पर्स छिन जाएगा, तो बंदा इससे अच्छा बोलता अपने घर पे बैठ जाऊं भाई, मैं बाहर क्यों निकलूं। कराची को मुंबई के साथ कंपेयर किया जाता था जो इंडिया का इस टाइम सिटी है, और लाहौर को दिल्ली के साथ, आप समझते हैं कि आज हम कंपैरिजन है बहुत पीछे हैं। अगर आप बंबई से बोलोगे तो बंबई रात का चांद है, सही है ना, पाकिस्तान किसी टाइम पे चांद था, आज अंधेरा है पाकिस्तान। इवन हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो आपको दिखाएं, मैं देख के हैरान हुआ हूँ कि जैसी बसेस यहाँ पे चल रही हैं, वो आज के दौर में आप उन बसों पे सफर करते हैं, आपकी हिम्मत है भाई? किस तरीके से सफर करेंगे, बस के अंदर मैं बैठूंगा, मुझे पता आगे जाके मेरे जेब को लूट लेंगे, मेरा मोबाइल काट लेगा, सही है ना। एक किराया बस के अंदर, क्योंकि आज तो देखो ठीक है, पब्लिक जो है ना इस टाइम पे बस को सफर बहुत कम कर रही है, क्यों, कि हर बंदे के पास बाइक है, बाइक है।